हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी के पीजीटी कोर्स में। मैं करवा रही थी रिलेशन एंड फंक्शन। कल हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर। आज पढ़ेंगे रिलेशन, ठीक है? आज पढ़ेंगे रिलेशन। अब मैंने कल बताया था रिलेशन क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन और अमंग थिंग्स, कनेक्शन बिटवीन और अमंग थिंग्स। अब जैसे कल बताया था कि रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज अ रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मदर फादर एंड चाइल्ड इज अ रिलेशन। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, राजा दशरथ के किंगडम का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे ए बी द सेट ऑफ ऑल मील्स, ए बी द सेट ऑफ ऑल मील्स, तो कौन क्या क्या थे? दशरथ और राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न भरत। क्लियर? एंड फीमेल का सेट ले लीजिए। क्या कहा था फीमेल? एक था कौशल्या, कैकेयी, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, लक्ष्मण की उर्मिला और श्रुत कीर्ति और मांडवी। क्लियर? ये सेट भी ले लिया। क्लियर? अब अगर मैं कहूं रिलेशन बताना है आपने डैश मतलब सेट ए इज आर हस्बैंड ऑफ सेट बी, तो आप क्या बताएंगे? जो दशरथ है, दशरथ की पता ही है तीन रानियां थी, दशरथ इज रिलेटेड टू, दशरथ इज अ हस्बैंड ऑफ कौशल्या, तो दशरथ का रिलेशन किसके साथ बनेगा? कौशल्या के साथ। फिर दशरथ का रिलेशन, दशरथ का रिलेशन केकेई के साथ भी, केकेई भी उनकी रानी थी। दशरथ का रिलेशन सुमित्रा के साथ भी, सुमित्रा भी उनकी रानी थी। नेक्स्ट, राम रिलेटेड टू सीता, राम इज अ हस्बैंड ऑफ सीता। एंड लक्ष्मण का रिलेशन किससे बनेगा? उर्मिला। और शत्रुघ्न का रिलेशन किससे बनेगा? श्रुति कीर्ति, ऐसे ऐसे लिख रही हूं, ठीक है? और नेक्स्ट कौन बचा? भरत। भरत रिलेटेड टू मांडवी। क्लियर? मतलब दशरथ इज अ हस्बैंड ऑफ केकेयी, सुमित्रा एंड कौशल्या, राम इज अ हस्बैंड ऑफ सीता। तो अगर आपको रिलेशन बताना है, एक और ये तो ये फॉर्म है, दूसरा आपको मैंने कल बताया था एरो डायग्राम, दशरथ राम लक्ष्मण मेल है यहाँ ए के और ये फीमेल है, दशरथ राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत। अब केकेयी कौशल्या, केकेयी सुमित्रा, सीता और ये पूरा लिख लेती, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, सीता और कौन बचा? उर्मिला, श्रुति कीर्त और मांडवी। क्लियर? आप देखिए दशरथ इज अ हस्बैंड ऑफ केकेयी, कौशल्या एंड सुमित्रा, ठीक है? राम इज अ हस्बैंड ऑफ सीता, लक्ष्मण इज अ हस्बैंड ऑफ उर्मिला, शत्रुघ्न की शत्रुघ्न हस्बैंड है श्रुति कीर्त का और भरत है। ये बना आपका एरो डायग्राम। क्लियर? बट अगर आपके आपने आर ओमिट करना है, मतलब आर नहीं लिखना, तो कैसे लिखना है रिलेशन को ऑर्डर पेयर में? कल भी बताया था, तो रिलेशन कैसे आएगा? दशरथ कौशल्या, दशरथ केकेई, दशरथ सुमित्रा, राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न श्रुति कीर्ति और भरत मांडवी। ये आपका रिलेशन का फॉर्म है। तो रिलेशन को किस में लिख सकते हैं? ऑर्डर पेयर में। अब कल क्या बताया था ऑर्डर पेयर को किस में लिखते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में भी, कार्टेशियन फॉर्म को ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो इससे क्या बन रहा है कि आर इज द सबसेट ऑफ, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस डी।
A cross B. कल बताया था R is a subset of, मतलब relation is a subset of A cross B. Clear हुआ? तो relation का क्या definition है? Subset of Cartesian product. Relation is a subset of Cartesian product. तो अगर आपका ऐसा condition है कि R is a subset of A cross B such that xy belongs to R if and only if, अगर x relate करेगा y से, अगर x का relation y से होगा तब ही आपकी चीज होगी. x and y belongs to R if and only if x related to y. इसको पढ़ेंगे related to y. clear हुआ? example करते हैं थोड़ा फिर समझ आ जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं. ए इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, बी के एलिमेंट है ए बी सी, और रिलेशन है आपका 1a 2a और 2b 3c, ये लिखा है आपका रिलेशन. क्लियर? तो अगर मुझे बता, अब पहले सपोज मुझे बताना है कार्टिजन ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का कार्टिजन कल बताया था, कैसे करूंगी मैं? a 1a 1b 1c, सिमिलरली 2a 2b 2c, फिर 3a 3b 3c. क्लियर? ये है कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. अब मैंने क्या कहा, R is a subset of कार्टिजन प्रोडक्ट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट. अब देखिए पहला वाला है, R जो है, जो रिलेशन है वो कार्टिजन में है. यस. नेक्स्ट 2a यहां पे भी है, तो R इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. 2b ये वाला भी है, और 3c ये वाला भी है. तो मैं क्या कर सकती हूँ कि 1a 2a 2b 3c belongs to R. और कैसे लिख सकते हैं? 1 related to A, 2 related to, 2 का रिलेशन A के साथ, 2 का रिलेशन B के साथ, 3 का रिलेशन C के साथ. क्लियर? ऐसे लिख सकते हैं इसको. और अब अगर मैं बोलूं कि आपका 3b का रिलेशन बिलोंग्स टू R, तो क्या है ये? रॉन्ग है ना, 3b है इधर रिलेशन में, तो नहीं है. तो मतलब R का जो भी सेट है वो कार्टिजन फॉर्म में होना चाहिए, और R यहां होना चाहिए था पहले 3b, तब रिलेशन. तो आप कैसे लिखेंगे? जो 3 इज नॉट रिलेटेड टू B. क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं. A इज इक्वल टू A B C D, A is equal to A B C D and B ले लीजिए आपका P Q R S. अब मैं दो कंडीशन ले रही हूं, R1 एक ले रही हूं, A P B Q C R और D S एक ले रही हूं, R2 B P Q B, clear, and D S. अब देखिए, अब बताइए, R1 is a subset of A cross B. जो R1 है मेरा वो subset है A cross B का. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? A cross B करना पड़ेगा. तो A cross B बताइए फटाफट, A B, A Q, A R, A S. Similarly B Q, B P, B Q, B R और B S और C का C P, C Q, C R, C S और last D P, D R, D Q, D R और D S. अब आपको बताना है कि R1 is a subset of, पहला है R1 is a subset of
A cross B और R2 is a subset of A cross B. तो क्या कहा था? R1 देखिए AP, AP, AP cross में देखना है, cross B में. BQ, BQ भी है, BQ भी है. CR, CR भी है. और DS आपका DS भी है. तो R1 is a subset of A cross B true है. क्योंकि R1 के जितने भी आप order pair बने हैं वो A cross B में है. अब R2 देखिए, R2 is a subset of A cross B, PB ये है. अब QB, अब पहले Q नहीं आएगा क्योंकि A cross B किया है, तो PQ आएगा. तो ये आपका नहीं, ये R2 में तो है लेकिन A cross B में नहीं है. जो आपका QB है R2 में तो है लेकिन A cross B में नहीं है. मैंने कहा क्या कहा था कि QB और BQ अलग अलग चीज है. यहाँ पे जो रिलेशन में है ऑर्डर मैटर करता है, तो ये सेम नहीं है. तो ये क्या होगा, R2 is not the subset of A cross B. क्लियर हो? चलिए नेक्स्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन. कि रिलेशन को कितने फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. एक होता है फ्रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट्स में भी पढ़ाया था, और तीसरा इसमें एरो डायग्राम. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन. तो क्या कहा मैंने, एक आपको रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा एरो डायग्राम. एरो डायग्राम, चलिए वन बाय वन करते हैं. जो रोस्टर फॉर्म है आपका वो ऑर्डर पेयर में जैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर पेयर में, रोस्टर फॉर्म को भी यहां पे ऐसे ही किया जाता है. अब सेट्स में क्या किया जाता था, एलिमेंट्स लिखने हैं विद इन ब्रेसिस और कॉमा के साथ. ठीक है, बट इसमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऑर्डर पेयर के साथ. कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऑर्डर पेयर के साथ. अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लीजिए आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू, एक एलिमेंट लेते हैं माइनस टू, माइनस वन, जीरो एंड टू, एंड ए टू बी, बी के क्या ले लेते हैं, जीरो वन फोर नाइन, ऐसे ले लेते हैं जीरो वन फोर नाइन. अब जो ए के एलिमेंट है वो रिलेशन बी के एलिमेंट से कैसे होगा, तभी होगा अगर ए के जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट ऑफ सेट ए ये एलिमेंट है रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी ओनली इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एलिमेंट. मतलब ए के एलिमेंट का अगर मैं स्क्वायर करूंगी वो क्या देगा, बी, तभी आपका ये रिलेशन बनेगा. कैसे, मैंने कहा माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, फोर, जीरो का स्क्वायर जीरो, टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन. क्लियर? तो इट मीन्स इसको कैसे लिखना पड़ेगा कि जीरो का रिलेशन जीरो के साथ, माइनस वन रिलेटेड टू वन क्योंकि वन माइनस वन का स्क्वायर करोगे वन, माइनस टू रिलेटेड टू फोर, माइनस या फिर टू रिलेटेड टू फोर, ये रिलेशन बन रहा है. अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है रिलेशन को, जीरो कॉमा जीरो, माइनस वन कॉमा वन, माइनस टू कॉमा फोर, टू कॉमा फोर, ये है आपका रोस्टर फॉर्म. क्लियर? अब जो सेकंड है, सेकंड का एग्जांपल लेते हैं. ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, और बी ले लिया, बी ले लिया वन, वन बाय टू, वन बाय थ्री, वन बाय फोर, वन बाय फाइव, ऐसे. अब रिलेशन जो बन रहा है, रिलेशन ले लिया वन वन, टू टू, वन बाय टू, थ्री कॉमा वन बाय थ्री, क्लियर, फोर कॉमा वन बाय फोर एंड फाइव कॉमा वन बाय फाइव, ये बन रहा है आपका रिलेशन. तो अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे,
लेकिन क्या और कंडीशन होनी चाहिए, जो आपकी बी की वैल्यू है वो 1/a के इक्वल होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी लगती है, सेट्स में बताया था। तो अब आप देखिए 1, नेक्स्ट में ये 1 ही रह रहा है 2, तो 1/2, 3, 1/3, तो मतलब अगर आप ए को 1 ले रहे हो तो बी क्या होगा 1/a, 2 ले रहे हो तो 1/a, क्लियर। तो इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, क्लियर हुआ। नेक्स्ट थर्ड एरो रिप्रेजेंटेशन, थर्ड है एरो वाला। अगर ए है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, बी है आपके पास 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब एरो रिलेशन दिया है, सपोज रिलेशन दिया है 1, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 5, इतना दिया रिलेशन। तो आपने क्या करना है एरो रिप्रेजेंटेशन में, सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी, ए के लिख दीजिए सारे एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 और बी के 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन आपने जो रिलेशन देखना है 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, बस क्लियर। तो जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा वो नहीं आएगा इसमें, जो रिलेशन में आएगा, ठीक है, वो आपने बनाना है एरो डायग्राम, क्लियर हो गया। तो आज का टॉपिक इतना ही होगा, आपको मतलब समझ नहीं आए तो प्लीज रिपीट कीजिएगा अच्छे से, फिर से बार बार वीडियो देखिए, बाकी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।